हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश के इस करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। मैं शारदानंद। हम आज के इस करंट अफेयर्स में देखेंगे कि इस सप्ताह के क्या कुछ ऐसे घटनाक्रम रहे हैं, करंट अफेयर्स रहे हैं जो कि हमें समझने चाहिए, हम समझेंगे। साथ ही किसी एक ऐसे टॉपिक पे भी हम बात करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम भविष्य में कोई लाभ उठा सके अपने परीक्षाओं के लिए। तो आइए देखते हैं इस सप्ताह के वो करंट अफेयर्स क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग पत्नी के साथ शारीरिक संबंध को बलात्कार की श्रेणी में रखा है। उसने कहा है कि इस तरह के घृणित काम को कोई भी सभ्य समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। यूएसए और इजराइल ने यूनेस्को से अपने आप को वापस हटा लिया है, यानी कि उसकी जो मेंबरशिप थी वहां से अपने आप को वापस कर लिया है। ज्ञात हो कि यूनेस्को में जो सबसे ज्यादा फंड देता है वह अमेरिका है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने उत्तर कोरियाई नागरिकों को वीजा देने से इनकार कर दिया है। हम सबको पता है कि ऐसा विश्व समुदाय का जो उसके ऊपर एक प्रेशर है उत्तर कोरिया के ऊपर, कि हाल ही में जिस तरह से वो परमाणु मिसाइल का, परमाणु बम का परीक्षण किया जा रहा है, उसको लेके ये एक कदम उठाया गया है। दिवाली के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों पर बैन लगा दिया है। इसके पीछे प्रदूषण की एक समस्या बताई जाती है। संपूर्ण ग्राम बीमा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा की गई। संपूर्ण ग्राम बीमा योजना की शुरुआत, ये बीमा योजना मुख्यतः गांव के लोगों के लिए है। तो आइए हम समझते हैं कि ये बीमा योजना क्या है, क्यों आखिर ये इतने सारे योजनाओं को होते हुए भी इस तरह के जो नए हमारी योजना शुरू होते हैं उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, लक्ष्य क्या है। देखिए, संपूर्ण ग्राम बीमा योजना को जो शुरुआत किया उसका उद्देश्य सबसे पहले तो ये है कि हमें जैसे पता है कि सांसद ग्राम योजना के अंतर्गत जो भारत के जितने सांसद हैं सबने एक एक गांव को अपने अंदर लिया था कि इसे वो डेवलप करेंगे। तो सबसे पहला जो ईस्ट मिनिस्ट्री, जो ये जो जिस मिनिस्ट्री के तहत शुरू हुआ है वो मिनिस्ट्री ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट है, उन्होंने ही इस योजना को शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत सिर्फ उन्हीं गांवों को लिया जाएगा जिसमें कम से कम 100 आवासीय लोग रहते हैं, यानी कम से कम 100 घर वहां पे, आवास वहां पे है। तो ये तो पहला हो गया कि वहां के गांवों को इसके अंदर लेना। प्लस जो इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि हमें पता है कि एक जो पोस्टल बीमा योजना चलता है, यानी डाक, जिसको हम कहते हैं कि डाक योजना चल रहा है ऑलरेडी, और इसे सबसे, ये भारत में अभी तक की सबसे पुरानी योजना है जो 1884 में ही इशू किया गया था, जो शुरू किया गया था, उसके एम्बिट को बड़ा करना है, यानी उसे और भी बड़े लेवल पे फैलाना है। देखिए, जब डाक बीमा योजना शुरू किया गया तो उसी के बाद मल्होत्रा कमेटी की एक सिफारिश आई थी 1995 में, उसमें ग्रामीण डाक बीमा योजना यानी रूरल पोस्टल जो इंश्योरेंस है उसे शुरू किया गया था। तो ये जो अभी जो ग्राम योजना होगा वो इसके अंदर ही होगा। इसके तहत उन सभी परिवारों को, जिस परिवारों में कम से कम उस गांव में किसी भी एक परिवार के पास ये ग्रामीण डाक बीमा योजना से है, उन सभी लोगों को इसके अंदर लाना है। आपको पता होगा कि ये जो डाक बीमा योजना है इसमें भारत में जितने भी बीमा योजना है उसमें सबसे कम रेट की प्रीमियम है और इसका जो लाभांश है वो सबसे अधिक होता है। तो फिर ये इतना पीछे क्यों हो गया, इतना पीछे रहने का, जबकि हमें पता है कि डाकघर गांव गांव में बसे हुए हैं। तो अगर किसी भी योजना को आप चाहते हैं कि हर घर तक पहुंचे, हर उस व्यक्ति तक पहुंचे, तो डाक के थ्रू, अगर डाक के द्वारा हम अपनी सेवाओं को पहुंचाए तो वो आसानी से पहुंचाया जा सकता है। तो उसी के अंतर्गत ये जो ग्रामीण डाक योजना है शुरू किया गया है, ये जो ग्रामीण योजना शुरू किया गया है वो इसीलिए किया गया है। इसका आधार क्या था ये शुरू करने का, देखिए एक अध्ययन से पता चला है कि भारत में जो बीमा हो रही है वो विश्व में बहुत ही कम है, सबसे कम नहीं कहेंगे क्योंकि इससे भी कम कुछ जगह पे है, लेकिन अगर हम कंपैरेटिव एक स्टडी करें, एक हम अगर इसको अध्ययन करें तो हमें पता होगा कि अमेरिका में जहाँ 80-90% लोगों के पास बीमा होता है, वहीं पे भारत में अभी भी बीमा 10% से भी कम है। ये बीमा किस लिए होती है, किसी के जीवन के लिए होती है, मेडिकल के लिए होती है, बहुत तरह की है, और ये इसे घर घर तक पहुंचाना, अब सरकार ने इसे ये जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली है, तो इसका उद्देश्य यही होगा। तो इसी के साथ हम आज के इस टॉपिक को यहीं खत्म करेंगे।
अगले सप्ताह हम आपके साथ फिर आएंगे एक नए करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक के साथ जिसके ऊपर हम बात कर सके। तब तक आप jagranjosh.com पे करंट अफेयर्स सेक्शन में जाके और भी बहुत सारे करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, जिसमें रोज प्रतिदिन हम लोग उसे अपडेट करते हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।